सबसे पहले हमारा मजहब यही कहता है, तारीख के वर्कों को उल्टो और उनका मुताला करो। अगर आप हम देखेंगे ये यूरोप वाले, ये मगरिब वाले, ये हाथों में बाइबल लेके खड़े होने वाले उस वक्त भी मौजूद थे जब इन्होंने यूरोप से समुद्री जहाजों के जरिए ये अमेरिका गए। अमेरिका में करीब जो है वारदात में एक दो नहीं मिलियन के हिसाब से, सौ की मैं नहीं कह रहा हूँ बात, हजारों की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मिलियन के हिसाब के वहां के जो बाशिंदे थे, जो हजारों साल से वहां बसे हुए थे, उनको खत्म कर दिया, कत्ल गारत किया, जेनोसाइड किया, सब कुछ किया। इसलिए ये किया कि वो उनके रंग इनसे कम थे, वो अपने को समझते थे कि हमारी जबान इनसे ज्यादा शाइस्ता है, ये इनके रहन सहन खाने पीने सब, हम तो अपनी सुपीरियोरिटी अपनी बर्तरी को समझ कर इन्होंने पूरे मुल्क को गारत कर करके क्या किया, जो वहां के ओरिजिनल बाशिंदे थे जिनको ये रेड इंडियंस कहते हैं, उनको छोटे छोटे कैंप में आज अभी भी उनके कैंप्स मौजूद हैं, बकिया सबों को खत्म कर दिया, नीस्त तो नाबूद कर दिया। फिर ये नॉर्थ अमेरिका की बात है, अब आप आए साउथ अमेरिका में, ब्राजील है, मेक्सिको है, ये अर्जेंटीना है, इसमें वहां के हजारों साल से वहां लोग आबाद थे और उन लोगों को भी ये करके कि ये गैर खुदा की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, इनका मजहब दूसरा है, हम क्रिश्चियनिटी लाएंगे, हम ईसाइयत लाएंगे, ये खुदा के बेटे की मजहब लाएंगे, उसको फैलाने के लिए उन्होंने पूरे मुल्क के वहां के बाशिंदों को खत्म करके अब थोड़े से रह गए हैं जो ब्राजील वगैरह में जंगलों में फॉरेस्ट में वहां रहते हैं, वहां भी मिलियंस के हिसाब से मारे गए। अब आप उसके ऊपर चले जाइए, कनाडा में चले जाएं, कनाडा में जाकर देखेंगे वहां भी वहां के ओरिजिनल जो बाशिंदे थे वहां बड़े चैन और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, हजारों और लाखों की तादाद में उनका कत्ल आम हुआ, सिर्फ ये कि ये अपने को सुपीरियर बर्तर समझते थे और क्या। अब आप कनाडा में चले जाए वो नजर नहीं आएंगे, वो छोटे छोटे कैंप में जिस तरह से तो क्या कहते हैं, लड़ाइयों के वक्त में प्रिजनर्स को, मुजरिमों को रखा जाता है, उस तरह से उनको रखा गया है। तो अब आप देखें कि ये अफ्रीका से काले लोगों को ले जाते थे वहां काम कराने के लिए, जहाजों में बैठा के ले जाते थे, और उसमें हजारों लाखों की तादाद में मुसलमान थे, कलमा गो थे, उनको लेके जहाजों में ले जाते थे। जब जहाज अमेरिका के सरहद पर ये पहुंचती थी, वहां समुद्री वहां बेड़े के नजदीक पहुंचती थी साहिल के पास, तो जो मर जाते थे या जो जख्मी होते थे उन्हें समुद्र में फेंक देते थे, जिस तरह से सब्जी मंडी में जाए जो सब्जी वाले जो सब्जियां खराब होती हैं वो अलग छांट देते हैं बेचने के पहले, तो ये गुलामों को बेचने के पहले, काले नस्ल को बेचने के लिए बाजारों में जो लंगड़े लुल्ले हो जाते थे उन्हें समुद्रों में फेंक देते। इनकी जुल्म की इंतहा नहीं है, ये जुल्म एक दिन आवाज बुलंद होगा, ये जुल्म असर लाएगी।